हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेजिडेंस लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एरिया वाइज लाइट कहाँ पर कौन सी लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए वो हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो रेजिडेंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। हम रेजिडेंस का मतलब कि जितने भी एरियाज हैं हम सबको कवर करके चलेंगे। अगर कोई एरिया रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये सारा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम एक एक एरिया डेली हम उसको डिस्कशन किया करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। और जैसे ही हमारी रेजिडेंस की सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आप एक बार ट्राई कीजिएगा कोई भी लेआउट लेकर, और आप मेरे को बताइएगा कि आपको कोई डाउट हो तो। उसके बाद हम आगे अपना कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आउटडोर और आर्किटेक्चर, फसाद, लैंडस्केप, इन पर हम डिस्कशन करते रहेंगे और मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मतलब कि जो होते हैं ना रेजिडेंस में कॉमन एरियाज कि ये होते ही हैं वो कंसिडर करके चला है। बाकी तो घर में रेजिडेंस में सभी आजकल मतलब कि जिम हुआ, पार्टी हॉल हुआ, ये सब कॉमन है, ये होते हैं एडिशनल। लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो मैंने यहाँ पर कंसिडर करके चला है। अगर कोई एरिया ऐसा है कि जिसमें आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है लिफ्ट, लॉबी, पैसेज एरिया, मंदिर, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बार, बाथरूम, चिल्ड्रन रूम, एंटरटेनमेंट रूम, बाथरूम, लैंडस्केप और फसाद लाइटिंग। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है लिविंग रूम। तो जो मोस्टली हम रेजिडेंस में ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग लाइट यूज होगी, कुछ कुछ लाइट चेंज होती रहेंगी, बाकी ये लाइट कॉमन रहेंगी कि फिक्स डाउन लाइट, एडजस्टेबल डाउन लाइट, वॉल वॉशर, कर्टन ग्रेजर, शैंडलियर, पेंडेंट, वॉल लाइट और इनडायरेक्ट लाइट। ये तो लाइट हम यूज ही करेंगे, लेकिन मतलब कि अगर फिक्स डाउन लाइट है तो किस तरीके की डाउन लाइट कहाँ पर यूज़ करनी है, कौन सा कलर टेम्परेचर यूज़ करना, ठीक है, वो हम एरिया वाइज डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लिविंग एरिया में अगर मैं बात करूँ तो एक ये एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पर कोई भी अगर बैठ के अपना ना मतलब फैमिली पूरी बैठी है और हम वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब कि कोई भी बाहर से आता है। तो घर में अगर कोई हम बाहर से ऑफिस में से पूरे थके हैं तो घर आके आराम से जो सबसे पहले आके बैठते हैं वो एक सोफा एरिया होता है, ये लिविंग एरिया ड्राइंग रूम, वहाँ पर आके बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कलर टेम्परेचर की पहले बात करती हूँ तो अगर वो पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ कि वो कौन सा कलर चाहते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें वॉर्म वाइट कलर पसंद होता है, कुछ को कूल वाइट कलर पसंद होता है, किसी को बीच का कलर पसंद होता है, मतलब कि 35,000 केल्विन पसंद होता है, बहुत ज़्यादा वॉर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा कूल वाइट भी नहीं। तो ये सब होते हैं कलर पे, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपना सजेशन दो। तो अगर हम अपने इस पर बात करते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सा कलर टेम्परेचर देना चाहिए, तो हमें पहले तो हर पूरे घर में एक ही कलर टेम्परेचर देना चाहिए। अगर हम 35,000 केल्विन पे जा रहे हैं, जो अगर मैं नॉर्मल डाउन लाइट की बात करूँ तो उसमें तीन ही कलर आते हैं, 65,000 केल्विन, 4,000 केल्विन और 300 केल्विन। जो टेक्निकल लाइटिंग होती है, जो प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हमें ऐसा कलर टेम्परेचर 3500 केल्विन, ये ऐसा कलर टेम्परेचर है कि जो हमें नॉर्मल प्रिंट्स में मतलब नॉर्मल डाउन लाइट में नहीं मिलता, ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि ना ज़्यादा फोम वाइट और ना ज़्यादा कूल वाइट, वो हमारा नॉर्मल कलर टेम्परेचर होता है। कलर टेम्परेचर हमारा एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि हमारा फर्नीचर किस तरीके का है, उस पर हमें कलर टेम्परेचर डिपेंड करता है। और दूसरा कि अगर मैं इसे लिविंग एरिया में लगा रही हूँ तो आपको पता ही है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर कलर जो होता है वॉर्म वाइट होता है, और ऑफिस में जाते हैं तो कूल वाइट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉर्म वाइट कलर से हमें रिलीफ फील होता है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स का सिक्रेशन वगैरह ये मैंने आपको पहले बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि आप जाके देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 35,000 नॉर्मल डाउन लाइट के साथ जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि 65
हंड्रेड कैलोरी, 4000 कैलोरी या 300 कैलोरी। तो हमें हर जगह 300 कैलोरी ही देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डाउन लाइट में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये होता है कि हमें थोड़ा गर्म अगर आता है तो रिलीफ फील करने आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स रूम हुआ, तो पेरेंट्स मतलब जो एज हो जाती है ना आगे आगे जाके, तो आई साइट वगैरह वीक हो जाते हैं, तो हमें उनको ध्यान में रखकर हमें उनके रूम में फुल वाइट लाइट देना चाहिए, यानी कि 6 से 500 कैलोरी देना चाहिए। और जो हमारी किचन एरिया है, क्योंकि वहाँ पर कटिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पर हमें 6 से 500 कैलोरी देना चाहिए। और जो स्टडी रूम है, वहाँ पर हमें 6 से 500 कैलोरी देना चाहिए, अगर हम नॉर्मल डाउन लाइट के साथ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हमें जो अदर एरियाज है, वहाँ पर जो बेडरूम हुआ, लिविंग रूम हुआ, यहाँ पर हमें वो वाइट लाइट देनी चाहिए, ठीक है, अगर हम नॉर्मल पैनल के साथ जा रहे हैं। तो स्मार्ट पैनल के साथ जा रहे हैं हम, यहाँ पर लिविंग एरिया में स्मार्ट पैनल भी दे सकते हैं। अब स्मार्ट पैनल कई तरीके के होते हैं, कि जो ट्यूनेबल होते हैं, मीन्स कि सिर्फ वाइट कलर के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर तो वाइट कलर के साथ प्ले करने का मतलब कि कितना भी येलो कर सकते हैं, 2700 कैलोरी से लेकर 6500 कैलोरी तक हम उसको कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हमें चाहते हैं। दूसरा ह्यू होती है, कि मल्टी कलर होते हैं, कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी सारे कलर होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट पैनल के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई इशू है ही नहीं कि हम कलर को उससे ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल लाइटिंग में जा रहे हैं, तो टेक्निकल लाइटिंग में जैसे मैंने आपको बताया, कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो इसमें हमें 3500 कैलोरी देना चाहिए। 3500 कैलोरी से हमें ये फ़र्क पड़ेगा कि हम कभी भी अगर फर्नीचर चेंज कर रहे हैं, तो हमारा फर्नीचर वाइट कलर या वोम वाइट कलर के अकॉर्डिंग मिलता, वो हर फर्नीचर और हर कलर के साथ अच्छा लुक फील देता है, जो 6500 कैलोरी है। मैं इसका कलर टेम्परेचर की जो मतलब कि 6500 कैलोरी किस तरीके का कलर होता है, 6500 कैलोरी कैसा कलर मतलब लुक कैन फील किस तरीके का आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको ये टेक्निकल लाइट का ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, अभी तो नहीं पर ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, आपको ज़रूर शो करूंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन सा कलर टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। अगर टेक्निकल में जा रहे हैं, तो हमें हर जगह 3500 कैलोरी यूज़ करना है। नॉर्मल में जा रहे हैं, तो मैंने एरिया वाइज कैलकुलेशन कर दिया, और स्मार्ट पैनल में तो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ पर फिक्स लाइट यूज़ करनी चाहिए और कहाँ पर एडजस्टेबल लाइट यूज़ करनी चाहिए। फिक्स लाइट ये होती है कि हमारा इंपैक्ट सीधा नीचे आता है, और अगर एडजस्टेबल ये होती है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ना, अपनी लाइट का ट्रिम के अंदर जो लाइट सोच होती है उसको, ठीक है। तो हमें मेन चीज़ ये है कि कहीं भी अगर टीवी कैबिनेट है, तो उसके ऊपर हमें हमेशा एडजस्टेबल लाइट ही देनी चाहिए, या आप चाहे नोट डाउन कर लो। उसके अलावा लिविंग एरिया है, सोफ़ा है, सोफे के पीछे अगर पेंटिंग वगैरह आ रही है, टेक्सचर आ रहा है, तो हमें वहाँ पर एडजस्टेबल लाइट देनी है। और अगर कहीं पर विंडो आ रही है, वहाँ पर हमें फिक्स लाइट देनी है, और टीवी कैबिनेट के पास एडजस्टेबल, बाकी सब चीज़ें फिक्स लाइट देनी है, ठीक है। तो फिक्स और एडजस्टेबल मैंने आपको बता दिया है, कि अगर पेंटिंग टेक्सचर आ रहा है तो वहाँ एडजस्टेबल, और टीवी कैबिनेट के पास भी एडजस्टेबल, या कोई पोट आ रहा है, मतलब कुछ डेकोरेटिव पेंटिंग आ रही है, या कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, या कुछ भी एक टेक्सचर आ रहा है, तो वहाँ पर उसको लिट करने के लिए हम एडजस्टेबल दे सकते हैं, वो एक अलग हो गया। लेकिन अगर हमें कभी भी मोटा मोटा देना है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और विंडो के पास भी हमें फिक्स लाइट देनी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कि हमारी जो फिक्सर की और वॉल वॉल से फिक्सर की जो डिस्टेंस है, वो हम 1 से 2 मीटर लेकर चलेंगे, ठीक है। कई बार हमें मार्किंग करके देनी होती है, ठीक है, लेआउट में, तो हमें किस तरीके से करना कि हमारी वॉल से 1 या 2 मीटर पे हम अपने प्रोडक्ट को लगाएं, ठीक है। और एडजस्टेबल की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो सीलिंग हाइट की 1/3 डिस्टेंस पर होनी चाहिए एडजस्टेबल, ठीक है। तो बाकी अगर हमारा कहीं पर टेक्सचर आ रहा है, तो हमें उसको ग्रेजर करेंगे, मतलब
ग्रेज कर देंगे पूरी वॉल को, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा ना, अलग ही लुक फील होगा। अगर पेंटिंग आ रही है तो वहाँ जिस पर लगाना ही लगाना है। कई जन ट्रैक लाइट यूज़ करते हैं, लेकिन लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ मतलब अपने डिज़ाइन में ना। तो अब बात करते हैं कर्टेन ग्रेजर। कर्टेन ग्रेजर अगर कहीं कर्टेन आ रहा है लिविंग एरिया है तो हम वहाँ पर वो चीज़ यूज़ करेंगे, तो कर्टेन में भी बहुत लगे हमारा जो वर्क है ठीक है वो निकल के आता है ग्रेजर लगाने से ना। और ग्रेजर अच्छा होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल प्रोफाइल में स्ट्रिप लगा कर उसको लगा देंगे तो वो जो इम्पैक्ट आता है ना वो चीज़ नहीं आ पाती। तो अच्छा CRI होना चाहिए उसका ना, और अच्छी लाइट होनी चाहिए। शैंडलेयर हम यूज़ कर सकते हैं लिविंग एरिया में, और शैंडलेयर की रेंज बहुत बड़ी है। आप कहीं से भी मतलब कि अपनी पसंद का कोई भी शैंडलेयर आप वहाँ पर दे सकते हैं ठीक है। वो फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का है। नॉर्मल है नॉर्मल पेंडेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सोफ़ा के बराबर में कोई भी टेबल है उसके ऊपर एक हम सिंपल पेंडेंट लगा सकते हैं ठीक है। तो कोई भी कॉर्नर में एक हम पेंडेंट लगा सकते हैं। पेंडेंट सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी रेंज है। ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पर दिखाया है। वॉल लाइट हम यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव फिक्स्चर है, बाकी हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है ये। यहाँ पर है इनडायरेक्ट लाइट, फोग लाइट, सबने सबको पता होगा। यहाँ इसके साथ मैंने एक प्रोफाइल ऐड की है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई है। तो इसका एक रीज़न है कि अगर कभी भी हम स्ट्रिप को कोव में लगाते हैं डायरेक्टली लगा देते हैं, जब तो टेप लगी होती है तो उससे डायरेक्टली हम लगा देते हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद जो स्ट्रिप होती है वो जो हमारी सीलिंग है या कोव में से वो हटने लगती है। उसकी जिससे हमने उसको चिपकाया होता है वो उससे पेस्ट किया होता है उससे हटने लगती है। तो और दूसरा कि जब भी कभी भी पेंट होता है घर में, भी दिवाली आती है तो सभी पेंट वगैरह तो होता ही है, तो पेंटर इतना ध्यान नहीं रखते हैं और वो उस पर मतलब कि गलती से पेंट भी लग जाए एक भी चिप पे, तो हमारी लाइट मतलब कि ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, एक इसको प्रोफाइल के साथ देंगे जब भी, तो 45 डिग्री एंगल वाली प्रोफाइल हम यूज़ करेंगे कोव में हमेशा ठीक है, जिससे कि उसका जो थ्रो है वो अच्छा है ठीक है। तो और मैं कभी भी पेंटर ने अगर पेंट भी कर दिया तो डिफ्यूज़र है उसको निकालो थिनर से साफ करके हम लगा सकते हैं। तो इससे हमारी यूनिफॉर्मिटी अच्छी होगी और प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ। तो फ्रेंड्स लिविंग एरिया में हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट में से कि हमें ये प्रोडक्ट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।